किसी ने क्या खूब कहा है, गिरा दे जितना पानी है तेरे पास है बादल, ये प्यास किसी की लेने से बुझेगी तो बरसने से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि एक जगह पर विद्या या ज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी तेज क्यों हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी कमजोर क्यों रहते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ज्ञान या विद्या की प्यास। एक गुरु के दो शिष्य थे, एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा भिसड्डी। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग उपेक्षा करते थे। और एक दिन रोष में दूसरा शिष्य गुरु जी से जाकर बोला, गुरु जी, मैं उससे पहले से आप पास विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे उससे अधिक शिक्षा दी। गुरु जी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घास उग रही थी। उसने घास उखाड़कर रस्सी बांटना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी। शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को। गुरुजी फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते हो। इस प्रकार शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अब से वह भी कठिन परिश्रम में जुट गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अगर जिस चीज की चाहत आपको ज्यादा होगी तो आप ज्यादा परिश्रम करेंगे उस चीज को पाने के लिए। जीवन में इसीलिए वह लोग आगे चले जाते हैं जिनकी चाहत या प्यास ज्यादा होती है, तो ज्यादा मेहनत करते हैं। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को पाने की जिद या चाहत ही हमें सबसे आगे ले जाएगी। जिद और चाहत या प्यास को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।